हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ श्रद्धा। इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ एक हेयर सीरम के बारे में जो मैं अभी करंटली यूज़ कर रही हूँ। मैंने अभी ट्राई किया है एंड 2 से 3 बार मैं इसे यूज़ कर चुकी हूँ और मुझे काफ़ी पसंद आया है ये। सो आई वॉन्ट टू शेयर विथ यू गाइस। सो ये है हेयर सीरम फ्रॉम ब्रिलेयर साइंस, यस। और इसका हेयर फॉल कंट्रोल किट का रिव्यू मैं ऑलरेडी आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। सो ये जो है हेयर सीरम, इसकी प्राइस है 350 रुपीज़ फॉर 100 ml, बट बहुत कम क्वांटिटी लगती है। सो इट विल लास्ट अराउंड 3 मंथ्स आई गेस, बिकॉज मैं हफ्ते में 2 बार ही हेयर वॉश करती हूँ। सो 3 महीने तो चले ही जाएंगे। एंड हेयर सीरम सॉफ्ट, स्मूथ, शाइन, क्लासिक, पोस्ट वॉश डिटेंगलिंग, प्रिजर्वेटिव फ्री, यस। दीज आर वीगन एंड क्रुएल्टी फ्री प्रोडक्ट्स। ब्रिलेयर की जो प्रोडक्ट्स है वो वीगन है, क्रुएल्टी फ्री है एंड ओके, इसमें मेड इन इंडिया नहीं लिखा है, बट जो आपका शैम्पू है और हेयर मास्क है जिसका रिव्यू मैंने अपने पहले के वीडियो में शेयर किया था, उसमें मेड इन इंडिया लिखा हुआ था। सो ये जो प्रोडक्ट है, शाइन तो कुछ खास नज़र नहीं आई मुझे बिकॉज इसमें शाइन मेंशन है, बट सॉफ्ट, स्मूथ एंड फ्रीज फ्री बाल मुझे लगे। सो अगर आपके बाल बहुत ड्राई हैं, फ्रीजी रहते हैं, तो आप ब्रिलेयर का ये हेयर सीरम ट्राई कर सकते हैं। अगर आप ट्राई करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है। एंड स्मेल नहीं है, कोई स्मेल नहीं है इसकी, या हल्की सी स्मेल है, बहुत हल्की सी स्मेल है, तो इससे भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। एंड बहुत कम क्वांटिटी लगती है। आई थिंक अगर आप लोगों ने लॉरियल टोटल रिपेयर 5 हेयर सीरम यूज़ किया है, जिसका रिव्यू मैं पहले शेयर कर चुकी हूँ, अगर आप लोगों ने वो यूज़ किया है, सो कंपैरेटिवली लगभग दोनों में आप क्वांटिटी ले सकते हैं। उसमें भी उतनी क्वांटिटी लगेगी और ये भी उतनी क्वांटिटी लेता है। सो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी आपको नहीं लगेगी बालों में लगाने के लिए। सो 100 ml फॉर 350 रुपीज़ इज़ नॉट दैट मच कॉस्टलियर। सो आई होप आप लोगों को मेरा आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।